बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाल लेने के बाद पहली दफा नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हर एक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। और जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड, वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य काम था जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पैदल जो रास्ते हैं या कच्चे रास्ते पक्के रास्ते, उन सबका एक मैपिंग किया जाना था। उनके किनारे की जो नालियां हैं जहां बनी हैं उनकी भी लंबाई का, और जहां नहीं बनी है उनकी भी लंबाई का। इसके साथ उस प्रत्येक वार्ड में पड़ने वाली जो शासकीय परिसंपत्ति है उसका भी प्रोफाइलिंग होना था। तो एक वार्ड का अभी वो पूरा तैयार हो गया है, उस आगे जो वार्डों की सफाई है, परिसंपत्तियों का रखरखाव है, वो उस प्रोफाइलिंग के आधार पर मैन पावर का जो मैनेजमेंट है वो करा जाएगा, और उसके अनुसार उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक तो 100% सोर्स सेग्रीगेशन हम लोग कूड़े में अचीव कर पाएँ, डोर टू डोर कलेक्शन को अचीव कर पाएँ, और जो मैनेजमेंट है स्ट्रीट स्वीपिंग का और नाली सफाई का, वो हम संसाधन की प्लानिंग काम के लोड के हिसाब से, वर्क के लोड के हिसाब से कर लें।